Hello everyone, in previous session we seen lipids and different structures of nucleoside, nucleotide, lecithin, then cholesterol, amino acid, glycerol, triglyceride, right? Different structure that we already seen in previous session. Today we will see biomacromolecules. मीन्स वॉट मॉलिक्यूल्स मीन्स अपने बॉडी में जो भी केमिकल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स राइट जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी होते ही है बट मैक्रोमोलिक्यूल्स बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मीन्स वॉट कि हमारी बॉडी में दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट कि किसी किसी का मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट 1000 डाल्टन से कम होता है और किसी किसी का मॉलिक्यूलर वेट उससे ज़्यादा होता है तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट दे आर डिवाइड इन टू पार्ट्स सो लेट अस सी बायो मॉलिक्यूल्स दे आर डिवाइड इन टू पार्ट्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स ओके अब माइक्रोमोलेक्यूल्स मीन्स व्हाट देयर मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन राइट और यहाँ देयर मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन राइट दूसरा पॉइंट कि माइक्रोमोलेक्यूल एसिड सॉल्युबल वेयर एज मैक्रोमोलेक्यूल एसिड इनसॉल्युबल राइट उसके एग्जांपल हम देखें तो फॉर एग्जांपल ऑफ माइक्रोमोलेक्यूल्स दैट इज वाटर And in exceptional case, lipid. An example of macromolecule that is protein. Lipid. Nucleic acid. Polysaccharide, etc. Right? So, ये है बायोमोलेक्यूल्स का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट और वी कैन से राइट सो दिस इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन अप्रॉक्सिमेटली The acid insoluble fraction has only four type of organic compound. Acid insoluble fraction में four type के organic compound होंगे. One is protein, second is nucleic acid, third is polysaccharide and lipid. These classes of compound with the exception of lipid have molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above. कि लिपिड के अलावा जो भी मॉलिक्यूल्स है उनका जो वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट होगा दैट इज द अबाउट 10,000 डाल्टन राइट
फॉर दिस वेरी वेरी रीज़न, कि इसी रीज़न से बायोमोलिक्यूल इट मीन्स केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप. किसी वजह से, इसी रीज़न से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल कंपाउंड होते हैं वो दो तरह के होते हैं. वन इज दोज विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन, कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है, दैट रिफर्स टू माइक्रोमोलिक्यूल और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स, वाइल दोज विच आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन दैट आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल और वी कैन से बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड दैट मॉलिक्यूलर वेट दैट इज अबव 10,000 डाल्टन. ओके, द मॉलिक्यूल इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमरिक सब्सटेंस, कि लिपिड के अलावा जो भी इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में होंगे वो पॉलीमरिक सब्सटेंस है, मीन्स के लॉन्ग सब्सटेंट है. दे वाई डू लिपिड्स हुज मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, इट मीन्स मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन, कि लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में क्यों नहीं इन्वॉल्व है. सो उसका रीज़न दिया है, लिपिड्स आर इंडेड स्मॉल मॉलिकुलर वेट कंपाउंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज ए सच बट ऑल्सो अरेंज इन टू स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन, राइट, कि वो कहाँ होंगे, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स में होंगे. वेन वी ग्राइंड अ टिश्यू वी आर डिस्टर्बिंग द सेल स्ट्रक्चर, सो द सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ऑल्सो ब्रोकन इन टू पीसीस एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्यूबल, कि नॉर्मली लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्यों इन्वॉल्व नहीं है, राइट. तो मैक्रोमोलिक्यूल स्पेशली वो सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन में उनका स्ट्रक्चर होता है, राइट. तो जब हम टिश्यू ग्राइंड करते हैं तो जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो रप्चर हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन भी ब्रेक हो जाती है, राइट, छोटे छोटे पार्ट में, और वो क्या बन जाते हैं, वेसिकल फॉर्म बन जाते हैं, और वेसिकल दैट आर नॉट वाटर सोल्यूबल, दैट आर वाटर इनसोल्यूबल. Therefore, these membrane fragments in form of vesicle get separated along with the acid insoluble pool. कि ये जो vesicle है वो अपने आप अलग से separate होंगी in acid insoluble pool. Hence, in the macromolecule fraction, lipid are not strictly macromolecules, right? कि आपको अगर रीज़न पूछा जाए तो आप लिख सकते हो ये रीज़न, कि लिपिड नॉर्मली प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स एंड व्हेन वी ग्राइंड द टिश्यू द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रप्चर, राइट, ब्रेक एंड ब्रेक इनटू पीसीस एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल एंड देयरफॉर दिस मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट इन फॉर्म ऑफ वेसिकल गेट सेपरेटेड अलॉन्ग इन एसिड इनसॉल्युबल पूल्स, हैंस लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली macromolecules. Clear? Next, the acid soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition. आपको पता होगा कि acid insoluble acid soluble pool है, that it represent roughly cytoplasmic composition. The macromolecule from cytoplasm and organelles become the acid insoluble fraction. Together they represent the entire chemical composition of living tissues or organisms, right? So, आपको 9.4 में average composition of cell दिया है, जिसमें water, protein, carbohydrates, lipid, nucleic acids, iron, बहुत सारे component है, with different cellular mass, उनके percentage different है, but highest percentage किसके है, water के. Water जो है वो 70-90% होता है सेल में, राइट. उसके बाद प्रोटीन का नंबर आता है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड का, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद लिपिड्स एंड उसके बाद आयन का नंबर आता है, राइट. सो ये हो गया मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में. उसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन के बारे में. प्रोटीन भी बहुत लॉन्ग है, बट यहाँ हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर, प्रोटीन का फंक्शन भी देखेंगे और उसका कंपोजिशन देखेंगे, कि प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, दे आर लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड एज शोन इन फिगर, कि
बाकी अगर आप प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या है, वन काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड, मीन्स के प्रोटीन के स्ट्रक्चर में किसकी चेन होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन आप कैसे बना सकते हो, कैसे समझ सकते हो पॉलीपेप्टाइड को, तो यह मैं आपको समझाती हूँ पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में। कि यहाँ क्या लिखा है, प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड्स, राइट। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। कैसे, तो आप सबको पता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं। अमाइनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन पॉलीमर, मीन्स कि प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है, और अमाइनो एसिड क्या है, मोनोमर है। मीन्स व्हाट, कि यहाँ क्या होगा, कि फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन कैसे बनता है, तो यहाँ आप देख सकते हो ये क्या है, अमाइनो एसिड मैंने लिखे है, अमाइनो एसिड वन, अमाइनो एसिड टू, अमाइनो एसिड थ्री, फोर एंड फाइव, अमाइनो एसिड फोर एंड फाइव है, राइट। तो जब वो एक दूसरे से बाइंड होंगे एक दूसरे के साथ, तब वो जो बॉन्ड होगा दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। एंड उसी समय क्या होगा, H2O रिलीज होगा, सो दिस प्रोसेस नोन एज हाइड्रोलिसिस। ये प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो जब दो अमाइनो एसिड बाइंड हुए तो क्या बना, डाई पेप्टाइड। तो पूरी की पूरी चेन बनी तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड, राइट। तो यहाँ आपको वही समझाया है, कहाँ, यहाँ कि प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड, दे आर लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। दूसरा, अमाइनो एसिड मीन्स के प्रोटीन दो तरह के होते हैं, होमोपोलीमर एंड हेट्रोपोलीमर। हम अगर बात करें तो यहाँ आपको प्रोटीन के बारे में लिखा है, प्रोटीन दो तरह के हैं, होमोपोलीमर एंड हेट्रोपोलीमर। राइट। अब होमोपोलीमर मीन्स व्हाट, सेम टाइप ऑफ अमाइनो एसिड बाइंड विथ ईच अदर, कि एक ही तरह के अमाइनो एसिड बाइंड हो गए। फॉर एग्जांपल वेलाइन है तो पूरी की पूरी चेन वेलाइन अमाइनो एसिड की होगी, दैट इज कॉल्ड होमोपोलीमर। एंड हेट्रोपोलीमर मीन्स व्हाट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड बाइंड विथ ईच अदर। फॉर एग्जांपल यहाँ वेलाइन है तो यहाँ आर्जिनिन होगा, यहाँ लाइसिन होगा, सो दिस इज हेट्रोपोलीमर, राइट। सो यहाँ आपको दिया है दूसरा कि अमाइनो एसिड कितने टाइप्स के हैं, 20 टाइप्स के हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ईच प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, राइट।
each protein polymer of amino acid. As there are 20 types of amino acid, there are many types of amino acid: alanine, cysteine, proline, tryptophan, lysine. A protein is a heteropolymer, not a homopolymer. Means what? कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड बाइंड हुए होंगे, सेम टाइप के नहीं होंगे, राइट. सेम टाइप के अमाइनो एसिड बाइंड होंगे तो उसको हम बोलेंगे होमोपोलीमर, एंड डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड बाइंड होंगे दैट इज कॉल्ड हिट्रोपोलीमर. अ होमोपोलीमर हैज़ ओनली वन काइंड ऑफ मोनोमर रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स, राइट. दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाइनो एसिड कंटेंट इज इम्पोर्टेंट. As later in your nutrition lesson, you will learn that certain amino acid essential for our health and they have to be supplied through our diet. कि amino acid हमारी body के लिए बहुत important है, so हम जो भी खाना खाते हैं उसके उसमें amino acid होने चाहिए. Hence, dietary proteins are the source of essential amino acid. Therefore, amino acid can be essential or non-essential. कि अमाइनो एसिड दो तरह के हो सकते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. तो एसेंशियल अमाइनो एसिड द लेटर आर दोज विच अवर बॉडी कैन मेक, वाइल वी गेट एसेंशियल अमाइनो एसिड थ्रू अवर डाइट और फूड. कि जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है दे कैन मेक, राइट, कि हमारी बॉडी उसको बनाती है. कि जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी में बनते हैं, हमारी बॉडी बनाती है, बट जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो हम जो भी खाते हैं उसमें से हमको मिलता है. प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सम यहाँ आपको प्रोटीन के फंक्शन दिए हैं, राइट, कि बहुत सारे फंक्शन है. सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, सम आर हॉर्मोन्स. कि सम हॉर्मोन्स एज ए हॉर्मोन, सम आर एज ए एंजाइम्स, राइट. प्रोटीन के फंक्शन दिए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये फंक्शन, अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है, राइट. कि सेल मेम्ब्रेन के आसपास जो भी मॉलिक्यूल है उसको पास होने के लिए प्रोटीन एज ए वेक्टर और एज ए बैरियर फंक्शन करता है, फाइट करता है ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट इन फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी, राइट. सम आर हॉर्मोन्स, सम आर एंजाइम्स एक्सेट्रा. देन मोस्ट टाइम भी याद रखना है आपको कि कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड सेकेंड रूबिस रिब्यूलस बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजिनेस रूबिस्को. दैट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल्ड ऑफ बायोस्फीयर. ये दो डिफरेंस है कि कोलाजन एंड रूबिस्को, ये एनिमल वर्ल्ड में और ये ऑल ओवर बायोस्फीयर में, राइट. कि कोलाजन दैट इज फेमस and most important protein in animal world, and ribulose biphosphate carboxylic oxygenase that is rubisco, one kind of protein that is the most abundant protein in the whole of the biosphere. Ki biosphere mein that is most important protein rubisco, and animal world mein that is most important collagen protein. Okay, so यहाँ हमने protein की बात की. अभी भी protein का structure बाकी है. आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद को पॉलीसेकेराइड है, बट पॉलीसेकेराइड हम पढ़े उससे पहले हम प्रोटीन को ही ख़त्म कर देंगे. बीच में न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड दिया है, बट हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखेंगे. देर आर फोर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. की फाइनली प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है दैट वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन. ओके.